देखते ही देखते नवंबर मंथ आ चुका है और आपके पास बचे हैं अभी आखिरी 6 months, वो लास्ट 6 crucial months जो कि इवेंचुअली आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे होंगे, जो कि इवेंचुअली ये डिसाइड करने वाले हैं वेदर नीट 2025 के साथ आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज की सीट अपने लिए लॉक कर पाएंगे या फिर नहीं। और मैं जानती हूँ आज आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यार आज से अभी से अगर शुरुआत की जाए आखिरी 6 months में भी क्या हम अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। वेल देखिए, अगर आप जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, अगर आप जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप एक लॉजिकल सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी स्केड्यूल कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही एस्पिरेंट्स के लिए है जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि हाँ यार मैं अपना 100% देने के लिए आज से तैयार हूँ, मैं अपने रास्ते से हर डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हूँ, कंसिस्टेंट बेसिस पर पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपकी अप्रोच यू नो नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है कि यार अब कहाँ हो पाएगा, 6 महीने तो बचे हैं, छोड़ो यार मैं तो नहीं कर रहा हूँ, फिर तो पक्का ही नहीं हो पाएगा, फिर तो आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, है ना। बट देन अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, बट अब बीइंग अ केमिस्ट्री एक्सपर्ट मैं आपके साथ वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो कर पिछले सालों में मेरे ही स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 180/180 स्कोर किया है और आप भी उसे लिस्ट में शामिल हो सकते हैं अगर इस प्लान को आप एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो कर जाते हैं तो। हालांकि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबको ये कहना चाहूंगी, यार एक्स फैक्टर है द कमिंग 3 months, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मैं आपको बता दूं कि ये ना मंथ्स होंगे काफी सारे फेस्टिवल्स वाले, दिवाली है, फिर उसके बाद भाई दूज, देन सो मेनी फेस्टिवल्स अराउंड द कॉर्नर, और इसी के साथ साथ आप देखें न्यू ईयर आ जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे। बट देन, और पता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे में डिस्ट्रैक्टेड होंगे और जनवरी या फिर फरवरी से वो काफ़ी हद तक रिचार्ज होंगे और मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। बट देन मैटर पता है क्या करता है कि आज जो आपके पास टाइम अवेलेबल है उसको कौन वाइजली यूटिलाइज कर रहा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 months, जो बच्चा इन 3 months में एक क्लियर रोड मैप के साथ अपनी जी जान लगा देगा ना, बस वो रेस में बहुत आगे निकल चुका होगा। देखिए, बात की जाए केमिस्ट्री के स्पेसिफिक प्लान की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ओवरऑल ऑल इन ऑल 21 यूनिट्स है ना, और 21 यूनिट्स ही हमारा टारगेट है, क्योंकि हमारा एम है द परफेक्ट 180/180 स्कोर। अब देखिए मैंने क्या किया है, ये जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं ना, उनको 3 zones में डिवाइड कर लिया है। पहले तो आप इस PDF को सच दैट आप ये पूरा जोन वाइज शेड्यूल मेरे जो है डाउनलोड कर पाएं, उसके लिए आप ना पक्का से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्वयं आकांक्षा करणवाल TME/AKANSHAKRNWL। बेटा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पूरा स्केड्यूल पूरा प्लानर मिल जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 3 zones में आपके लिए रख दिया, एक है रेड जोन, एक है ग्रीन जोन और ये है आपका पिंक जोन। रेड जोन में हमने रखे वैसे चैप्टर्स को जो बहुत हाई वेटेज यूनिट होने के साथ साथ वैसे यूनिट्स हैं जिनको कवर करने में भी ज्यादा टाइम लग जाता है ना, मतलब कि इनमें आपको एफर्ट्स भी ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, प्लस ऑब्वियसली हाई यील्ड टॉपिक्स हैं क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ग्रीन जोन वाले यूनिट्स। ग्रीन जोन में हमने वैसे चैप्टर्स को रखा है, जैसे आप देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, काइनेटिक्स, ये वैसे चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े भी नहीं है और बहुत छोटे भी नहीं है, जहां से बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते और कम क्वेश्चंस भी नहीं आते, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो है आपके ग्रीन जोन यूनिट्स। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं द पिंक जोन यूनिट्स, जहां से यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर ये वैसे चैप्टर्स हैं बहुत फटाफट बहुत जल्दी से फिनिश हो सकते हैं, हो सकता है वन शॉट में आपने बिल्कुल डिटेल मैनर में आप विद यू नो क्वेश्चन कवरेज भी आप इनको कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये क्लियर आइडिया हमें होना चाहिए अपने सिलेबस का, राइट। आप देखो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हो मेरी रेड जोन में कौन से चैप्टर्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, GOC, पी ब्लॉक, बेटा पी ब्लॉक मतलब क्लास 11 क्लास 12 वाला दोनों, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम। अब आपका एम ये होना चाहिए कि नवंबर मंथ तक ना तुम्हारी रेड जोन 100% कंप्लीट होनी चाहिए। मैं मानती हूं कि अभी तक या तो आप कहीं ना कहीं किसी ना मतलब
या तो आप कहीं कोचिंग में एनरोल्ड होंगे, या फिर अभी आप अगर यूट्यूब भी फॉलो कर रहे थे, या बेटा अगर आप बिल्कुल स्क्रैच अभी से जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, मैं आपको बता रही हूँ इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसमें मैंने अभी 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे चैप्टर्स को कवर किया है। फिर आपको मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जियो, मतलब उसमें मैंने ऑलमोस्ट पूरी क्लास 11th आपके लिए फिनिश कर दी है। फिर इसी के साथ साथ आप जो है अभी जो हमारी सीरीज चल रही है विच इज 25 हार्ड चैलेंज, अगर उसको भी फॉलो करते हैं राइट, तो भी आपके सारे चैप्टर्स मेरे ही साथ पूरे के पूरे फिनिश हो जाने वाले हैं। 25 हार्ड चैलेंज वाली जो सीरीज है, केमिस्ट्री की डिटेल्ड सीरीज है, जहां सिर्फ 1 या 2 क्लास में डिटेल्ड मैनर में चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो हर रात को 8 बजे आपका सेशन होता है। तो उस सेशन की लिंक या प्लेलिस्ट मैं ऐड करवा दूंगी इन द कमेंट सेक्शन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपकी मदद हो जाएगी। आइडियली आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि रेड जोन वाले मेरे सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए बाय नवंबर, 50% आपके चैप्टर्स ग्रीन जोन वाले कंप्लीट हो जाने चाहिए, और पिंक जोन अभी अगर आपने नहीं भी किया ना तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि उसको आप रिलेटिवली काफी जल्दी कर जाएंगे। फिर इसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक तक, देखो ये आइडियल सिचुएशन है, एक बच्चा जिसका पक्का सिलेक्शन होगा ना वो इस स्टेज पर होगा, यानी कि वो इसको फॉलो करने वाला होगा कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब देखो यार, अगर आपको लगता है हाँ दिस इज फिजिबल, आई मीन मैंने जो है प्लान इसी तरह से आपके सामने शेयर किया है जो मुझे लगता है कि डिफिकल्ट नहीं है या मुझे लगता है कि अचीवेबल है, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली खुद आपकी मदद करने वाली हूँ इन यूनिट्स को इसी मंथ में कंप्लीट कराने में, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, डू नॉट वरी। और बेटा जनवरी के बाद तो ऐसा धुआंधार रिवीजन होगा, आप इसी चैनल के साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैंने पिछले सालों में भी बहुत बढ़िया से जो है हमने साथ में मिलकर सारे चैप्टर्स का रिवीजन किया है, तो कम से कम अगर तुम मेरे साथ भी जुड़ जाओगे ना, इवन इफ यूट्यूब पर भी, तो भी आपका कम से कम 3 से 4 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हैं, बट उससे पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि देखो यार, अब अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब अगर तुम्हें एक एक मिनट की वैल्यू का एहसास हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो कि एक एक मिनट कितनी प्रेशियस है, कितनी कीमती है, और अगर आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ, तुम्हें चाहिए भाई मुझे एक अच्छे सेट ऑफ एडुकेटर्स मिल जाए, मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, मुझे पता चल जाए कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे पता चल जाए डाउट आए तो कहां पर क्लियर करवाना है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10 साल के उनका सारा वीडियो सोल्यूशन मिल जाए, मुझे आकांक्षा मैम की पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाए, और आकांक्षा मैम की पूरी टीम मुझे मिल जाए के साथ मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी सॉर्ट हो जाए, बेटा देखो, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये फास्ट ट्रैक बैच। और जी हाँ, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये तो एक क्रैश कोर्स होगा, बिकॉज ये अभी एक क्रैश कोर्स नहीं है। हमारे पास यूजुअली 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक पूरा 1 ईयर लॉन्ग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आता है क्रैश कोर्स। पर इस बारी वो गैप को ब्रिज करने के लिए हम आपके लिए फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। बेटा जहां पर चीजें डिटेल में ही होंगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इन डेप्थ ही कराई जाएगी, बस फर्क इतना होगा कि स्पीड हम ऐसी रखने वाले हैं, क्लास की ड्यूरेशन इतनी होने वाली है कि आपका फटाफट जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो पाए। और पूरी इस तरह से डिजाइन किया गया है इस टीम को आपके लिए, टॉप एडुकेटर्स को इस बैच में जो है हमने रखा है, सच दैट सबके साथ मिलकर एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब आपको इसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनना, लिंक मिल जाएगी इन द कमेंट सेक्शन, आपको कोड यूज करना होगा AKA लाइव, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल जाए। बेटा जितने स्टूडेंट्स ने कोड AKA लाइव यूज किया होगा, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा, उनको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस ये जितना स्टडी मटेरियल आप देख रहे हो ना, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट, फॉर्मूला शीट, सबका एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। ये एक्सेस मिलता है सिर्फ तभी जब आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं वाया द कोड AKA लाइव। तो एक ड्राइव लिंक है जहां पर मैं आपके साथ फिजिक्स के भी माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट शेयर करने वाली हूं, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनरोल्ड वाया द कोड AKA लाइव, क्योंकि बाकी दूसरे किसी भी कोड के ऊपर ये बेनिफिट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप वैसे मेरा टेलीग्राम पक्का से आप जो है मेरा टेलीग्राम बेटा पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो जैसे मैंने आपको बताया दैट आई एम आकांक्षा कांडवाल, मेक श्योर कि आप सभी ने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन किया हुआ है, t.me/AKANSHAKRNWL। इसी के साथ उत्सव महोत्सव के चलते हुए, यानी कि अनअकैडमी दिवाली सेलिब्रेशन अभी आपने देखा यार, उसी के उपलक्ष में अभी आपके पास 55% ऑफ है, जहां पर
जितने भी अनअकैडमी का अगर आप कोई जानते हैं, लेटर से आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, कोई एक साल की तैयारी करना चाहता है, दो साल की तैयारी करना चाहता है, तो आप उनको भी बता सकते हो। अपना वन ईयर पैच है जो कि बाय टीम टाइटन्स है, और टीम टाइटन्स यू नो दी मोस्ट फेवरेट ऑनलाइन टीम्स है, टीम है नीट यूजी कैटेगरी में। तो आप अपने सिबलिंग्स या अगर आप किसी को भी जानते हैं या अगर आप खुद को इसमें फिट मानते हैं तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अभी आपको इस पर 55% ऑफ मिल रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि इतना है ना, या बाद में कभी आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है इतना डिस्काउंट नहीं रहे। सिमिलरली 2026 के लिए भी मैं लिंक ऐड करवा दूंगी इन द कमेंट सेक्शन। हमारा निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच है, तो यू कैन ऑल्सो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन दैट। ठीक है, अब देखो यार, फिर उसके बाद ना, अभी यानी कि जो 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीनों में तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए चैप्टर वाइज कि मेरे को डिटेल में चीजें कंप्लीट करनी है, ये नहीं बल्क में ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो नहीं। आपको शांति से, तसल्ली से, आराम से आपको जो है डिटेल्ड मैनर में सिलेबस की कवरेज करनी है, अच्छे से बढ़िया गुड वैरायटी डाइवर्स क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। पता है मैं क्या करती हूँ, मैं अलग से सेशंस लेती हूँ कि इस क्लास में मैं सिर्फ असर्शन रीजन क्वेश्चन करवाऊंगी, इस क्लास में सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इस क्लास में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे आप डाइवर्स क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ना, ये एग्जामिनर्स के फेवरेट हो गए हैं। इवन मैच द फॉलोइंग भी देखो आप अभी केमिस्ट्री में भी आने लगे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर हाल में। इनफैक्ट 25 हार्ड चैलेंज जो मेरी सीरीज चल रही है ना, मैंने उसमें बच्चों को चैलेंज दिया है कि आपको हर दिन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, कितने हर दिन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने। फिर इसके बाद साथ साथ आप जो है रिवीजन करते जाइए, जो कर रहे हो उसको भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं होगा। तो रिवीजन के लिए अपने दिन का एक 90 मिनट्स खाली रखो कि इसमें जो आता है ना वही अच्छे से रिवाइज करने वाला हूं। फिर जनवरी से लेकर मार्च तक, हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी जहां डिटेल में बताऊंगी करना क्या है, पर स्टिल अभी ना विजन आपका दिमाग में बात तो क्लियर होनी चाहिए ना कि कैसे कैसे कब क्या होने वाला है। फिर लेकर जनवरी से लेकर मार्च तक आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तरो रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, उनका भरपूर एनालिसिस करना है। और इसी के साथ बेटा आपको जो है मेरे साथ भी अगर आप जुड़े रहेंगे केमिस्ट्री में, तो मैं गारंटीड कह सकती हूँ अगर तुम मुझे भी फॉलो करते रहोगे तो भी तुम्हारा सब हो रहा होगा, तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी हो रही होगी, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे रेड जोन चैप्टर्स दिसंबर तक कंप्लीट भी हो जाएंगे, और इसी के साथ आपका जो क्या बोलते हैं सिलेबस है उसका कम से कम 3 से 4 बार मैं रिवीजन करा चुकी होगी, और बहुत सारे रिसोर्सेज जैसे कि फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। इसी के साथ देखो जनवरी महीने से लेकर मार्च मंथ में ये कुछ रिसोर्सेज काफी क्रूशियल साबित होने वाले, जैसे कि माइंड मैप, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, अलग अलग तरह गुड क्वेश्चन बैंक, फिर रिएक्शन चार्ट, एक्सेप्शन चार्ट। अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स मेरे मेंटोरशिप में होते हैं यानी वाया द कोड ए के लाइव प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं, उन सबके पास ऑलरेडी ये सब कुछ है, उन सबके साथ ही ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ना। धीरे 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 आपको भी मेक श्योर करना है दैट You have such resources and do not worry. इसमें आपकी मैं पूरी मदद कर रही होगी, ठीक है, बस make sure that you have joined my Telegram. इसी के साथ अप्रैल मंथ तो भूल ही जाइए, असलियत में आपके पास 6 नहीं केवल 5 ही महीने हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ तो ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा, ऐसे मतलब आपको ऐसा लगेगा पलक झपकते ही तो पूरा महीना निकल गया है ना। तो समय ही नहीं मिलेगा आपको ज्यादा कुछ करने का, क्योंकि इतने सारे आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट का एनालिसिस करना है, सीखना है अपनी गलतियों से। तो अप्रैल मंथ शुड बी इंटायरली डेडिकेटेड टू जस्ट टेस्ट, उसका एनालिसिस और रिविजन। टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, क्या गलती हुई उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, और साथ साथ फिर हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। अब मैं आपको वापस से ये दोहराना चाहूंगी कि यार नवंबर, दिसंबर, जनवरी यही एक्स फैक्टर्स हैं, यही की रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में। बेटा जनवरी आते ही सबके अंदर जोश आएगा, सब ऐसे हो जाएंगे कि भाई ठीक है जो होगा देखी जाएगी, लेकिन मैं अपना जी जान लगा दूंगा, मैं अपना 100% दूंगा। पर आज वही जोश, आज वही स्पिरिट, आज वही बात किसके अंदर है ना, वही आपको भीड़ से अलग करिए। आज भी वो बच्चा जो अपने टारगेट पर नजर टिकाए बैठा है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गोइंग टू स्मैश इट। व्हाई? बिकॉज आज ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं बेटा, फेस्टिवल्स वाला माहौल है, बहुत कुछ है ना, प्रोकेस्टिनेट आप कर रहे हो। पता है वेदर भी चेंज होगी, थोड़ी ठंड आने लगेगी, रजाइयों में घुसने का मन करने लगेगा, और
ये शादियों वाला महीना भी होता है, फिर फेस्टिवल्स भी हैं, फिर न्यू ईयर आ जाता है, क्रिसमस आता है, क्रिसमस न्यू ईयर सीव आता है, फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन, फिर ये और वो। इस सब में आप उलझ कर रह सकते हैं या तो, या दूसरी ओर आप अपने सपनों की सच्ची पक्की उड़ान भर सकते हैं अगर आप आज से वो सही रास्ता चुन ले तो, है ना। अगर आप अपने दिल में मन में ठान ले कि यार ये मेरा प्यार है, दिस इज माय गोल, आई लव दिस एंड आई हैव टू डेडिकेट माय सेल्फ टुवर्ड्स इट एंड आई हैव टू गिव माय 100% मोर देन माय 100%, है ना। और मैं जानती हूँ मुझे देख रहा है वो स्टूडेंट, मुझे देख रहा है वो एस्पिरेंट, उसके अंदर वो बात है, उसके अंदर वो जज्बा है, उसके अंदर वो जुनून है कि हाँ मैम मैं कर दिखाऊंगा। एंड विद द सेम होप मैं आज की इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, बट मेक श्योर बेटा दैट यू आर गेटिंग योर सेल्फ एनरोल्ड इन द फीनिक्स ऑल स्टार बैच, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स की गाइडेंस तुम्हें मिलेगी। और पर्सनली मैं आपके साथ, बेटा मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया है, प्लेटफॉर्म को जरा जल्दी ज्वाइन कर लेना। वैसे तो बैच नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन देखो बैच भले ही नवंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल रही है, लेकिन देखो क्या है ना कि अभी तुम्हें नहीं पता कि टेस्ट कहाँ देते हैं, डाउट कहाँ पूछते हैं, नोट्स कैसे डाउनलोड करते हैं। इट इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर यू, पहले से आ जाओगे थोड़ा बैच का स्टार्ट होने से पहले तो प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा, नहीं तो आप इधर उधर भटक सकते हो कि यार ये कैसे करते हैं, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो पहले से ज्वाइन कर रखो, अभी ऑफर भी है, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड और मैम आपका इंतजार कर रही है। मैं चाहती हूँ आप और मैं, आप मेरे भी इस सफर का हिस्सा बने जहां पर यू कम अप विद फ्लाइंग कलर्स और मैं भी प्राउडली कह सकूं दैट यू नो दैट यस, यहां से हमने साथ में मिलकर शुरुआत की। और उसके बाद आपने यार रिजल्ट जो भी आया, जैसा भी आया वो तो देखी जाएगी, पर हम ये प्राउडली कह पाए कि हमने साथ में मिलकर अपना बेस्ट दिया, अपना 100% दिया, जो कुछ भी हम कर सकते थे, जो कुछ भी बन सकता था हमने वो सब कुछ किया, है ना। और इसी इंटेंट के साथ इन द कमेंट सेक्शन बड़ा वो सेम स्पिरिट मुझे देखने के लिए मिलनी चाहिए कि ऐसा आकांक्षा मैम जैसे कि आप हमेशा कहती है ना आग लगा दो, आग हम पूरी लगाने वाले। एंड बाकी हर दिन मेरे साथ जुड़े रहिए 25 हार्ड चैलेंज में, विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बस खुद पर भरोसा रखिए, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई बिलीव इन यू कि आप कर सकते हैं। बस आपको खुद पर वो भरोसा दिखाना है और कंसिस्टेंट बेसिस पर मेहनत करते जाना है। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।